और ये घर है मेरा सामने, ये जड़ वाला हिस्सा है। अच्छा, यहाँ से बेल निकल के जाती है ऊपर को। तो ये टमाटर सूखा पौधा है, पापा ने बताया। ये इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, घर के सामने का व्यूज देखिए, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये किचन गार्डन वर्क। और देखिए किचन गार्डन पे मैं लाया हूँ आपको, तो दिखाता हूँ। इस पर हमने छोटी सी क्यारी पे बो रखा है रेडिस, मूली, ये जम के तैयार है। और आगे ले चलते हैं आपको, ये भी मूली है। यहाँ पे कुछ राई के पौधों का रोपण किया गया है। और आज की जो तैयारी है उसके लिए ये खेत तैयार हो रहा है, ये पालक के लिए। और ये हमारा पालक का बीज है, भिगाया था कल ही से हमने। ये पालक का बीज, पहाड़ी खेती, ये गोबर है ऑर्गेनिक एकदम, गाय का गोबर। और ये पूरी, इसमें हमने कम से कम दो कट्टा, कितना कट्टा गोबर गया इसमें? इसमें दो कट्टे पूरे चले गए, यानी एक सवा डेढ़ कुंटल से नीचे नहीं है, पहले से भी डाला था। लगभग डेढ़ दो कट्टा, यानी डेढ़ दो कुंटल गेहूँ, सॉरी खाद जा चुकी है इसमें गोबर की। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा ये। और जैसे बैठे बैठे आप देख सकते हैं फल भी यहाँ पे तैयार, माल्टा कितना प्यारा है भैया। एकदम अमेजिंग सा व्यूज। और एक यूनिक सा चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, बने रहिए आप। इसको कैसे बोएंगे देखिए, ये मतलब खेत तैयार हो रहा है, तैयार होने के बाद कैसे इसको बोएंगे हम फिर बताते हैं आपको। तब तक ले चलते हैं ग्वावा के गार्डन में, देखिए। अब एक यूनिक सा चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, टमाटर ऐसा वाला भी होता है, आप यहाँ बताना, आप मुझे यहाँ कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ ये देखिए, ये पूरा बेली बेल लताएं हैं सारी, वो दिख रहा है सामने फ्लावर, फ्लावर वो है मेरा फ्लावर का टेरेंस का गार्डन। और ये देखिए भैया, इसकी बात कर रहा था मैं, ये एकदम कितनी संख्या में है, ये है क्या चीज़। वैसे देखा जाए तो कच्चे में ये कलर रहता है इसका, ये थोड़ा सा पक जाए तो ये कलर, और एकदम कच्चा देखें तो ये कलर रहता है, फिर ये कलर, और पकने के बाद देखिए लाल। और इसका एकदम बहुत बड़ा सा पौधा ही मिलेगा आपको, ये देखिए इतना बड़ा पौधा है। और ये है फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया, ऊपर अधिक संख्या में दिख रहे हैं सब माल्टा। अब येलो कलर आने को आ गया है इनमें, यानी पकने को तैयार है फल, कुछ पक भी चुके हैं ये देखिए। मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट, तो आपको लग रहा होगा कि ये काम नहीं कर रहा है, मैं गोबर की लेके आया था यहाँ पे। पिछली बार किसी ने कमेंट किया था कि भैया आप करते नहीं हो, पापा काम करते हैं, तो हम भी करते हैं मदद, लेकिन अभी वीडियो शूट हो रहा है। लोकेशन तो देखो यार, कितना अमेजिंग सा है हमारा घर के पास से। एक फूल का पेड़ है बहुत बड़ा सा ये, तो आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारा किचन गार्डन ब्लॉग। देखो यार पहाड़ों में मतलब हम लोग सब्ज़ी मार्केट की लगभग कभी नहीं लाते हैं, घर पे ही उगा के हम ताज़ा फ्रेश खा लेते हैं, तो ये बड़ी बात है यहाँ पे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बने रहिए, आगे दिखाते हैं बीज का रोपण कैसे होता है पालक का, दो दिन से भिगाया हुआ बीज है। अरबी के पत्ते भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ये भी सब अरबी है, बिल्कुल कोमल कोमल लीफ है इसकी देखिए। पिताजी बोल रहे हैं अभी मैं कुछ खड्डे की गीठी दिखाता हूँ, देखो वो भी देख लेते हैं भाई। अरे बहुत बड़े बड़े दाने हैं, थोड़ा नज़दीक ला के दिखा दो। ये है गीठी है, ये ऊपर तो लगते ही लगते हैं बेल में, ये नीचे जड़ इसी से पैदा हो गए, ऊपर भी लगते हैं, इससे जड़ वाला ऊपर लगते हैं, इससे भी बड़े बड़े दाने। ओके,
ज्यादा सूख जाएंगे ना। अभी इसको ऐसी मिट्टी में दबा रहे हैं ताकि ये खराब ना हो ना। हाँ, ये खराब नहीं होगा और जब जरूरत पड़ेगी यहाँ से निकाला सब्जी बना के खाया। अच्छा, ये स्कीम होती है इसकी। तब ये पानी निखारना होगा। देखो भाई, अब बीज को ऐसे फैलाएंगे क्योंकि बहुत गीला है बीज, पानी से अभी हमने आउट ऑफ किया है ये फैलना बीज। इस पूरी क्यारी में हम बो रहे हैं पालक। देखिए, ये बीज डालने के बाद ये बीज दिख रहा है चारों ओर, ये पालक ही दिख रहा है। फिर इसको दबा रहे हैं ऐसे, इस औजार से इसको दबाया जा रहा है ऐसे बीज को। फिर देखो कितना गजब का खिलेगा ये। और देखो एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं, ये लगाया ना बेल में, ये है पेठा, इसका बनती है पेठा की मिठाई। एक छोटा सा फल यहाँ पर भी है इसका, और हमारे यहाँ तो कुमिंड बोलते हैं लोकल भाषा में इसको, कुमिंड। और जो पेठा बनता है मिठाई उसको कुमिंड मिठाई। जी, इस वाले को क्या बोलते हैं? पिताजी को पूछ रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं? टमाटर सूप। इसकी तीन चीज़ें बनती हैं, अचार, चटनी और सब्जी, टमाटर सूप का। बाकी ये है राम करेले का बेल। देखो करेले भी बहुत संख्या में लगे हैं, ऐसा फल होता है। हर बार की तरह मैं अपना किचन गार्डन भी दिखा रहा हूँ आपको, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, है ना कितना प्यारा सा फूल है। पूरा क्यारी बना रखा है मैंने, ये देखिए भाई। वीडियो को दबा के लाइक करना। चलिए, आज के ब्लॉग में हमने दिखाया अपने किचन गार्डन से पालक की बुआई। वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।